अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो व्यूअर्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और परेशानी का हल। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दो डब्बे प्लास्टिक के आपस में फंस गए हैं और ये निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो इन्हें हम निकालेंगे कैसे? तो बहुत ट्राई कर लिए, निकलते ही नहीं है। तो चले आज आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से निकाले जा सकते हैं और बहुत आसान तरीके से निकल जाएंगे। और यहाँ पर अब ले लेंगे हम एक बड़े मुँह वाले बर्तन, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, एकदम खाली है। इसके अंदर हम डब्बे को डाल देंगे, यानी दोनों डब्बे को डाल देंगे। फिर उसके अंदर हम इसमें डालेंगे गरम गरम पानी। तो पानी इतना गर्म होना चाहिए कि आपके हाथ अच्छे से सहन कर सकें। बहुत ज़्यादा खौलता हुआ पानी इसमें ना डालिएगा, वरना ये जो हमारे प्लास्टिक के डब्बे हैं ना, वो पिघल जाएंगे। तो ऊपर से भी डब्बे जो खुले हैं उसके अंदर भी थोड़ा सा पानी डाल देंगे। उसके बाद इसे हम तकरीबन 2 मिनट तक छोड़ देंगे, ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए हमारी ये प्लास्टिक डब्बे वाले। और उसके बाद फिर इसे हम हाथों से थोड़ा सा हिला देंगे। तो बस अब एक लेंगे हम गिलास। अभी इसे हमें एक और काम करना है। आप देख सकते हो ये बिल्कुल नहीं हिल रहे हैं। तो अभी हम लेंगे एक गिलास और गिलास में ये गरम गरम पानी डालकर इसे अच्छे से चारों तरफ से हम पानी को गिराएंगे। तो आप देख सकते हो ये जो दूसरी वाली पेदे हैं, यानी ऊपर वाले डब्बे को जो पेदे हैं साइड में, उसके अंदर हम ऐसे ही पानी डालेंगे चारों तरफ से, ताकि थोड़े से गरम गरम पानी डब्बे के अंदर जाएं। तो हमारे अंदर से जब भाप बनेंगे ना डब्बे के अंदर, तो बहुत आसान तरीके से बहुत फटाफट से खुल जाएंगे। तो ऐसे तरीके से हमें 1 से 2 मिनट तक करना है, जब तक कि हमारे पानी गर्म रहे। ये तकरीबन आपको डब्बा निकल जाएगा 5 मिनट के अंदर फटाफट से। तो बहुत इजी तरीका है। कभी कभी क्या होता है, डब्बे फंस जाते हैं, हम इतना परेशान हो जाते हैं, या तो डब्बा टूट जाता है या तो डब्बा हम फेंक देते हैं। लेकिन आप हमारी स्टाइल से ज़रूर ट्राई करिए। अगर देख सकते हो ये फटाफट से निकल गए हैं, क्योंकि गर्म गर्म पानी डालने से क्या होता है, अंदर से भाप आती है और ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं प्लास्टिक के डब्बे। अगर स्टील के डब्बे आपके फंस गए हैं, तो खौलते हुए पानी भी ऐसे तरीके से डाल सकते हो, तो भी निकल जाएंगे। तो आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।